तो था लगा मैं कह एक मुर्गी नहीं हूँ। हमारे साथ तो भाई 400-500 में मरती। 400-500? हाँ 400-500 में मरती। एक एक मुट्ठी तावन के दिया थोड़ा सा, एक मगे दूध घोल के दियो थोड़ा लगे। मावो कितनी भाव है? मावो बने को तो बने ही मावो को। क्या बने को? ये तुम्हारा घुट जाएगी। ये सारों नहीं हो गए। ये तावन बंदा ला रहे हैं। राम राम भाई सारा ने एक और नए व्लॉग में थर सारा को स्वागत है। उम्मीद करा थम सारा ठीक ठाक होगा, मौज में होगा, मस्त होगा। टाइम होगा भाई 8:10 और धुमर देख सको किसी की जोर की आ रही है। आज धुमर धुमर आ रही है, बाकी जड्डो है कोनी। देख लो धुमर और माता श्री गिरण लाग रही है। गोबर गाबर की भी उच्चो बारी का लाग रही है। गोबर गिर छाई की आगे भाई देख गोबर का लाग रही। चलो तो गोबर का लाग रही भाई। सिर पर देख रहा है? सिर पर कौन भाई? बरजात्मा ओढ़नी। अच्छा अरे नहीं फटकार थी ए या ले बाबा दे दे फेंक दिया दे ओ कर ले चक्की नहीं। या भाई देख ले कुड़ी सजा रखी है दादी, कितना सजाई है थोड़ी। गोबर ने ती हले खतरे क्योंकि वो 10-15 दिन और गेरा और गोबर फिर खात गिर जानी पड़ी है। इतनी नावड़ा और 2 ट्रली के लोग कौन गए। राम राम बुआ। हाँ तो राम राम कौन करेगे? राम राम ही गोबर का था कौन करे करे सारा। अच्छा यह बात है के तो साथ उसी आंध का गोबर का था। और भाई देख लो या बैस्यांग ऊपर गुदड़ा का दड़ा गाला खेर या भाई गला कोनी किमी भी हाँ एम जवानी पट्टे हैं किमी भी ऊपर उड़ान्दा या फेंक दे नीचन बगाओ। अरे यो अपनो राजा बाबू केड़े हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में और घर का सुत्या पड़े हैं बितानी गलो सुत्यात किए हैं सोड में पड़ रहे हैं सारा जना। तो मिला थोड़ी देर में उठेगा जदे क्योंकि दादा महीने और तो किम काम होगा को नहीं। तो आराम तय खें खें सुते हैं। तो भाई दादो आ गए हो? दादो आए गए सवेरे सवेरे लासी लेण ने और लासी लेण ना आज थाने थोड़ी सी ज्ञान की बात बता के जाओ डली। दादा कही मैं भी वो लोग में भाग लूँ तो आज देखा दादो के ज्ञान की बात बताओ। तो राधा स्वामी सभी को राधा स्वामी और राम राम। आज हमारे गांव में तो बहुत कोहरा छाया हुआ है और धुंध भी बहुत ज़्यादा है और सर्दी भी है। आपके कैसा है मौसम वो आप जाने, हमारे तो पिछले दिनों से काफ़ी ठंड पड़ रही है। काल भी बहुत ज़्यादा। हाँ और मैं आज जो भी बोलूं उसमें अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। तो आज का जो शब्दवाणी है वो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। इस वाणी का व्याख्यान है कि मालिक एक है और उसी का नूर उसी का प्रकाश इस सृष्टि में फैला हुआ है। एक ही मालिक है, उसी के हम सब बंदे हैं। अगर एक ही मालिक है उसके हम सब संतान हैं तो हम में से कौन छोटा हो सकता है, कौन बड़ा हो सकता है। हम सब समान हैं, हम कोई छोटे बड़े नहीं हैं। हमारी जाति धर्म सब समान है और एक ही ईश्वर की संतान है। इसलिए हमें कभी भी किसी के प्रति जाति धर्म के हिसाब से अमीर गरीबी के हिसाब से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो भी इंसान जो भी व्यक्ति जिस अवस्था में पैदा हुआ है वो उसका अपना पूर्व जन्म का प्रारब्ध कर्म है जो भुगत रहा है। हम इस संसार में अनंत बार पैदा हो गए, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, और ये जीवन एक स्वप्न के समान है और हम मरने के बाद एक नई अवस्था में पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इस जीवन में कभी भी किसी के प्रति भेदभाव ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। देखो ईश्वर ने सभी को एक जैसा शरीर एक जैसा खून सब एक जैसा किया है। जब एक हॉस्पिटल में अगर 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक मुस्लिम धर्म का हो और एक हिंदू धर्म का हो, अगर गलती से वो बच्चा बदला जाए तो वही दोनों बच्चे अपने अपने घर में जा करके बड़े होकर के
हिंदू और मुसलमान बन जाते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध गलत बोलने लग जाते हैं, जबकि वास्तविक रूप से जन्म से वो अलग अलग हैं दोनों। जो हिंदू बन रहा है वो मुसलमान है और जो मुसलमान बन रहा है वो हिंदू है। इसका मतलब है कि जन्म से न तो कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान है, हम सब एक है। ये बाद में हमारे समाज ने हमको एक दूसरे के विरुद्ध भड़का दिया और सिखा दिया, इसलिए हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं और एक ही हैं सब। राधा स्वामी। राधा स्वामी। मैं सही कहना चाहूँ ई मन गई भाई चाय गर्मा गर्म ये देख लो। तीसर पीऊं भाई। तीसर तो तीसर तो पीनी पड़े। 9 बज गया। तीसर खा जा भाई ताकि तब आ जाओ। 9 बजे चाय यार। 9 बजे ए मैं क्यों 8 ग्राम होऊंगा। हां चलो यही काम करे कि मन चूल्हा सर लग गया। ऊपर और भारी सर को लियोगे भारी बाटली बुटली काटे ही सुबह से रे गाड़ी रेडी है। 4 चूटे के दियो डामन दिया गोबर गिर दियो। गोबर गिर सर कम हो गए ई मोटो मोटो क्यों ई चलो तो सो जा। अभी खाएंगे दोस्तों खाना। खाना खाओगे? खाना तो खाऊंगा। गामड़ो लिकड़ा वो निकड़ा जी निकड़ा बाण। चलो तो राम राम भाई। ये देखी ये देखी यहाँ पे बन रहा है खाना। बन गया क्या? बन ला रहे ये बन ला रहे बाजरा रोट। अच्छा बाजरे का रोट बन ला रहे। ये क्या बाजरे का? ये बाजरे। अच्छा अच्छा। और ये देसी मिर्च। ये देसी मिर्च भट्ठा के ऊपर सिल भट्ठा का। सिल भट्ठा ये या दाल देसी। और ये इसके नीचे नीचे दही। ये दही। अच्छा जी ये बात है। बात है। तो आज जो अपने घर का जो स्कूल है उस स्कूल में कोई प्रोग्राम छोटा मोटा तो आज तो थाने कौन दिखावा कोई प्रोग्राम की वीडियो उठा कर बनावा। बाकी आने ला रही है 2-4 दिन में 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को प्रोग्राम थाने दिखाऊंगा अपने स्कूल को। आज भी है उतना छोटा मोटा प्रोग्राम तो आज कौन जावा पा आज किन और किन जाना है तो नहीं अपन आज भी दिखा देंगे। बाकी 26 जनवरी को थाना प्रोग्राम पूरा दिखा देंगा। तो पहले ही सारा 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। ओ नहीं तो खा लें ताती ताती ठीक है। राम राम नानी। राम राम भाई रे और तकड़ा हो गए? हाँ तकड़ा थम बताओ। हम तो तकड़ा भाई डांगराम बीमारी आ रही है दम बहुत ही कसूती के करा के हो गयो भाई खड़ा ही पड़े पट्टा पट मेरे फोन में कोई रोक कौन पाई रोगी कौन पायो? डॉक्टर आ गया बड़ा बड़ा और कम वन करावे ट्रैक्टर में खेती मसाला माल चढ़ाई करे दूध मेरे फोन में बेटा की तो ये कम है। अच्छा तो न्यू के बात होगी अरे दूसरे फिर खड़ी पड़े भाई तो जड्डे जुड्डे कारण हो कदे ना भाई जड्डा वाली बात कौन बीमारी आ रही है शीशा का देख ही डंगर कौन बता देश वाली हम तो। अच्छा तो थाल लगा मैं कहे के मुर्गी नहीं 400-500 दोबारा बोलिए दिखाने 400-500 उतरी गए यार पड़ती पुड़ती एक बैस्या बैस्या में है। मैं
गायम भी है तो अच्छा छोटा मतलब है तो गायम कौन के अच्छा अच्छा पहली गायम आयो एक बार रोग हाँ वो छोटी छोटी घूमड़ी सी घूमड़ी सी घूमड़ी घामड़ी हो जाएगी शरीर पर बसिया ने तो वही टाइम हो गया 3 बज गया 3 बजने वाला ही है बजे तो कोनी 5-4 मिनट की कमी है और अपनी नहा धोई गई है वो और सर ये कौन पूछा मैं थाने मत ये पूछू घास की है सिरसम का पत्ता है ये अन्न तो खा रखे जानवर हो रही हो अच्छा खराब हो रही हो गास तो खराब हो रही खा ले गया रे जागो मिल और ये मूली कट पागी ये कोई बचेड़ी मूली भाई लुकरी थी ये और ये पाक के लठ हो रही है जम्मा और यो उरतरी का यो बेर कौन के है यो के है मूली तो कोनी है के है सलगम तो कोनी कोनी सलगम कटवा हुई या ना मोड़े ये ना सलगम ये तो रंग है को बीज के मैं इन्हें अड़की हो बोले फिर ये किमिन अड़की हुई है किमिन किमी और किमी है यो की है मेरे को नहीं मूली का तरह जड़ को नहीं मूली का तरह जड़ को मूली को ही है की ब्रो ये बीज तो कौन है हैं थोड़ी रहेगी सलगम की जड़ सही है अच्छा बीज खराब है यो बीज खराब है मूली को खराब हो चाहे सलगम को खराब हो भैंस ने हरियो जागो पत्ता पत्ता तो खा लेगी भैंस अमरूद खाई तो दिए जी करे के जी क्यों कौन कराओ तो भाई बूढ़े मन तो तय ने कर दिया कोई लेके दे घर को ये खा ले को ना लेके दे बैठी रहे बूढ़े मन मांगे ओ बूढ़े लगे कहो कोई खिरन दे कोनी हां और ये तो रंद लिए था आज भाई बूढ़े कहे थे आज के और बना लेने कहीं मांग जे मिल दादी यूं खीर तो आज खीर बना ली भाई माता जी माता की खीर चढ़ कह दीजिए कह दो मेरे के जी करता रहो दूर थोड़ी देर पहले थमी सुने हो भाई मैं उरे बैठे नहीं गम डे मैंने तो आ गयो मेरे नानी को फोन तो मैंने बताने लगी भाई मारे गम में इतनी भैंस मर गई इन्हें बोली 400-500 भैंस मर गई हाँ नानी गए हाँ 200 फिर की है 200 तो गई 200 को नहीं तो कोई दो एक दो मुर्गी हुई कोई ना ना 100 तो जाएगी पाओगी फिर मैं दो पर पूछिए बात मैं 500 गए हाँ बोली 500 ठीक भाई नानी तो रोग तो आ रही है इन्हें कोई एक गाम और बताओ मेरी नानी आगे नहीं कहूँ गम आ रही है एक मेरी माँ का गाम यानी बड़ा मेरे नाना है तो यो भैंस हाँ बोली गावड़िया में कोनी भैंस पड्डा और पड्डी और बोली भैंस का जो छोटा बच्चा होना है बनगा तो वह तो बच्चा ही कोन्यू कही और न्यू कही दारू पियानी चालू कर रखी डॉक्टर दारू बताइए दारू आदमी ने कोनी खोलन पे एक एक बोतल न्यू गए भाई से मान साथ फालतू पे नमई है हैं भाई से आलू उठ लगे मिर्च वाली है ना जाओ चे कोई लो लाग जे ने हां कंटेंट देखो थाने दो मतलब फिर बाथरूम पड़े हां कोई लो लाग गयो तो ये भाई अमरूद खा लियो आजो आजा माता श्री ते छनी काटे छनी काटे भाई अमरूद खा लियो भाई माता जी आ चुकी है मां एक तो तेरे देख उल्टी जगह का जानो बीड़ी गाल में क्यों जाऊ रहे घणो ही खुल्लो रास्तो पड़ियो इन्ने कोने आया न्यू तो गाड़ी मार ले तो सुर सीख जाए हां गाड़ी ए देखी गाड़ी खड़ी जा सके दादी यो ले ब्रोटियो कक्को रसो में चोखे और खड़े हो खड़े खड़े भयो खड़े ही खड़े ही लुक है लुक आज काकू पैर गया नई लवर नई जराब बूट तो थोड़ा पुराना है बाकी ये उड्डी भी थोड़ी सी हीरो लगूं कोने हीरो तो लग गए के कौन से हीरो हॉलीवुड को कह दिनो ना है आज मैं बता दे हीरो तो देखी वाली ना है कह दिनो है आज दो बनायो आज दो पर
ਵਧਿਆ ਦੋ ਪਰ ਨਾ ਬਤਾਓ ਕੱਕੋ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਪਾਚੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਗੇ ਸਿੱਧੋ ਲੀ ਦੇ ਦਾ ਦੀ ਨਾਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਗਾਵੜੋ ਆ ਪਾਣੀ ਉਸਦੇ ਮੇਰੋ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੀ ਦੋ ਲੂ ਮੈਂ ਦੋ ਉਹ ਬਤਾ ਦੇ ਕਾ ਕੀ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਕੱਢੂ ਦੁੱਧ ਮੇਰੋ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲੇਗੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਢਾਈ ਰੋੜੋਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਦਿਨ ਕਾ ਕੋਣੀ ਹੈ तीन राड और फुल ज्यादा हुए ये 1200 वाट को है चार से की ए राड तो एक बार और बहुत-बहुत धन्यवाद जड्डा बचाने खातिर खेती मेरो ना को लाग रही है तेरे तो मालिक लगा देगो और दादी की सेवा करोगे तो सही है कौन दादी के कणो है नहीं कणो बता यो साडी पास और ये अपने कढ़ाई टेबल तो कढ़ाई टेक दे और एक मैं मिल्क यानी दूध का और फिर किसन दरे बनने तो के बनावांगा वो किसन बताओगे यो दूध होना रे तैयार है घुमा देगा फिर आप ही गिरागा ये चावल कढ़ाइए में या खीर हो जाएगी एक तो देखची में खीर बनावा पहले दातरिया में कढ़ावनिया में बनाऊंगा तो ये वापी बनाऊंगा कढ़ाइए ही खीर या जम्मा घुट जाएगी ने तो दूध सारो बढ़ जाएगा या खीर तैयार होना रही एम और किमें क्यों दे रहा बस चिन्नी चिन्नी गे रहा खाली और फिर देखियो तो भाई चल मारी उधर चक्की या देख लियो एक महीने पिसल ला रहे हैं या मेथी भैंस का तर यह है भैंस की मेथी या देख लियो ये सो 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 दे वो तो आप ये चाट में रला दें फिर थोड़ा कम खाण जी हो जाएगी बाकी उरा आवाज को नहीं आ रही या देखो यह बेसन गिरे और आप मेथी और उरा मनमा रही है कढ़ाई वाली खीर आपने कढ़ाई वाली को लेकर हम ही के बोले कर वो बता दियो थोड़ा दूध कम गिरे तो मे एक मग और गिर जी फिरेगा दूध अच्छा और गिरे दूध ही एक मुट्ठी की तावन गिर दिया थोड़ा सा और एक मग दूध और गिर दी थोड़ा लग गया खीर थोड़ी मनाई घनी कोन बनानी तो भाव भी कोनी भाव कितनी भाव है मावो बनाओ तो मनाई मावो को के बनाओ ये तुम्हारा घुट जाएगी ये सारो नहीं हो गए मैं ये तावन बना ला रहे ये देखो ये मेथी चाट में लड़ाई करो मुझे मेथी पिसे मेरी माँ बतरमान मेरा भाई क्या मिला होगा ये मेथी पीस रहे हो इसका क्या करोगे पैसे पैसे कितने दफा नहीं देगी तो जहाँ चाट में अच्छा तो थोड़ी गहरी चाट पाए तो नहीं अच्छा ये बात है ये होगी तैयार ये देख लो भैया जिम्मा लोग तैयार होगी है बतरमा का ताड़ लागी इतनों के एम घी भी गिर दिए थोड़ा सा मिर्मा गेर की पहली नू कोई वीडियो बनाओ मिर्मा याद कर तावड़ ना करे कर मत एक पली घी गेरियो मतलब बात यही है बस इतनी है हां और इब गेरांग मैंने ये देख लियो ये डोरी है नानी कुछ खोपरा खोपरा ये देख लो भाई एन बोले रे डोरी बे पहले चीजा ने साली लेंदी तेरे लेणेंगे लेड़ा मेरा काम मेरे चीजो ओके कोई नहीं ओके तो काम घूमर कोई इतना बवाज करे हैं कौन करे तो मैं पहले ये खोपरा बोलता है गिर दो टीवी टीवी आप ही ये कहते हैं तो यार तो किमे करी फिर तो भाई या अपन की होगी तैयार बस ये ले यही थी खीर कढ़ाई वाली कढ़ाई वाली खीर है उठ गया ये जम्मा तैयार होगी भैया तो भैया अपनी खीर बन गई तैयार होगी है जम्मा रेडी हो गई है तो और थाना भी खड़ी है तो आज उर्मन नारी है।
रोटी राज सेती लाली मिर्च यही खानी पड़ेगी। खीर सेती एक एक दो दो रोटी खा लिया खीर ही खाऊ उधर तो खीर बन रही बहुत स्वाद है। मैं थोड़ी चाखी देखी थी एंडी बन रही है खा लिया रोटी तो अस बुलाई कौन खीर खातर चमची के चमची तो स्टैंडर्ड में रहना पड़े थोड़ा सी साहब कौन दी अच्छा अच्छा मैंने कोई इतने बार ना मैंने कौन बार आया। हाँ तो भाई थाने भी खानी है तो आ जाओ भाई ताती ताती खीर एक नंबर की बन रही है दूर क्यों माल है। हाँ वास्तु में ये तो होता है हैं घनी बाबा ही कौन है खो कर लियो। हाँ दादी वो चमची है रिके गए याद आ जाए खीर चमची से खाई जाती है हाथों से नहीं प्यार दिल से किया जाता है बातों से नहीं। प्यार को मत बोले माँ बापों करना बू बेटा करना पान बेटिया करना प्यार को मत बोले वो कई लोग दूसरे हिसाब ले लें एक बात का दोर्थ लिखना है तो प्यार माँ बापों को नहीं हो गए आपको धन पसंद को नहीं हो गए तो जो मेरे खीर खाना खाना था चमची को नाम लियो ने तो मेरी याद आ गई पहले की तो सबड़ का मारता खीर का दूसरी बनाओ जब खाई थोड़ी काठी है। तो इब कर दिया मैं ब्लॉग एंड तो आज को लोग थाने किसोक लाग गयो वो थामे लाइक कमेंट शेयर कर दियो मिला एक और नए ब्लॉग के सेती इतना अपना और अपना परिवार को राखियो ध्यान हमारी तरफ तदन सारा ने राम 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 आ जाओ भाई स्वामी जी।